अस्सलाम वालेकुम आदाब। आइए देखते हैं आज 30 सितंबर के अहम तारीखी वाकयात और अहम शख्सियात के शॉर्ट पैराग्राफी। 30 सितंबर 1207 को ही मौलाना जलालुद्दीन रोमी अफगानिस्तान के शहर बलख में पैदा हुए। उनका असली नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था और उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ मसनवी खूनिया में तहरीर की। आप जलालुद्दीन खुदावंदगार और मौलाना खुदावंदगार के अलकाब से नवाजे गए, लेकिन मौलाना रोमी के नाम से मशहूर हुए। मौलाना रोमी अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे, फ़िक़ा और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौर एक सूफ़ी शायर के ज़्यादा हुए। दिगर उलूम में भी आपको पूरी दस्तगाह हासिल थी। दौरान तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रुजू करते थे। मौलाना की शोहरत सुनकर सल्जूक़ी सुल्तान ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया। मौलाना ने दरख्वास्त की कबूल की और कूनिया चले गए। वह तकरीबन 30 साल तक तालीम और तरबियत में मशगूल रहे। जलालुद्दीन रोमी ने 3,500 गज़लें, 2,000 रुबाइयात और रज़मियाँ नज़में लिखी हैं। 30 सितंबर 1520 को ही सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान सुलेमान ने उस्मानी सल्तनत का तख्त संभाला था। वह बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया के सबसे अजीम हुक्मरान थे, जिन्होंने अपने बेमिसल अदल व इंसाफ और लाजवाब इंतज़ाम की बदौलत पूरी मुमलिकत इस्लामिया को खुशहाली और तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया था। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए कानून साजी का जो खसूसी अहतमाम किया, इसी के बिना पर तुर्क उन्हें सुलेमान कानूनी के लकब से याद करते हैं, जबकि मगरब उनकी अजमत का इस कदर मोतरफ है कि मगरबी राइटर्स उन्हें सुलेमान आजम कहकर पुकारते हैं। कुदरती आफात ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 30 सितंबर 1993 में भारत ने भी ऐसी ही कुदरती आफत की मार झेली थी। अंधेरे में आई मौत लातूर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला गई थी। महाराष्ट्र रियासत के लातूर जिले में करीब 20,000 लोग एक ही झटके में मर गए थे। 30 सितंबर 1993 की सुबह करीब 3:56 पर वहां 6.4 शिद्दत का जलजला आया। जलजला इतना ताकतवर था कि लगभग पूरा लातूर ही उजड़ गया था। करीब 20,000 लोग इस जलजले में मारे गए थे, जबकि 30,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। काफी अरसे तक साइंसदानों को जलजले की वजूहात का पता नहीं चला। जुनूबी हिंद के करीब वाले इस हिस्से में जमीन की एक ही प्लेट है, ऐसे में साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि जलजला क्यों आया। अक्सर यही कहा जाता है कि जलजला आतिशफिशां फटने या जमीनी प्लेटों के टकराने या रगड़ खाने से आते हैं। 30 सितंबर साल 2000 को इसराइल की जालिम सिक्योरिटी फोर्स की बर्बरियत दुनिया के सामने आई थी। आज ही के दिन 12 साल के एक मासूम फलस्तीनी बच्चे को इसराइली फौजियों की जानिब से गोली मारे जाने की तस्वीर टीवी के जरिए दुनिया ने देखी थी, जिसके बाद अरब दुनिया ने खूब वाफिला मचाया। इसराइल को खूब कोसा और खामोश हो गए, जबकि मगरब समेत दुनिया भर के मुल्कों का यही हाल रहा। इसराइली गोली से शहीद होने वाला यह 12 साल का मासूम बच्चा गजा पट्टी में इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान दोनों तरफ से हो रही फायरिंग के दरमियान फंस गया था। एक फ्रांसीसी टीवी चैनल की जानिब से ली गई तस्वीर में मोहम्मद अल्दुरा नामी इस बच्चे को अपने वालिद की बाहों में गोली लगते और दम तोड़ते हुए दिखाया गया था, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वाकये में बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि उसके वालिद जमाल बुरी तरह जख्मी हो गए थे। 30 सितंबर के ये थे अहम तारीख़ी वाक़या। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।